सर मजेपाल सर फ्रॉम एकनन स्कूल बनी नाउ स्टार्ट द नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस एग्जांपल 12.7 इट इज बेस्ड ऑन द रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन ओके इलेक्ट्रिक लैंप वूज रेजिस्टेंस इज 20 ओम कोई लैंप है जिसकी रेजिस्टेंस 20 ओम है एंड ए कंडक्टर ऑफ 4 ओम रेजिस्टेंस और कोई कंडक्टर है जिसके 4 ओम रेजिस्टेंस है आर कनेक्टेड टू 6 वोल्ट बैटरी दोनों को 6 वोल्ट बैटरी से जोड़ा गया है कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट आपने सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है फिर द करंट थ्रू द सर्किट करंट फाइंड आउट करना है सबसे पहले रेजिस्टेंस फिर करंट फिर आपने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है अक्रॉस इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर इलेक्ट्रिक लैंप और कंडक्टर के अक्रॉस दोनों की इकट्ठा अक्रॉस करना ओके सबसे पहले हम क्या करेंगे रेजिस्टेंस लिखेंगे लैंप की आपको पता है 20 ओम है कंडक्टर की 4 ओम है दोनों की रेजिस्टेंस सीरीज के अंदर पता है ना कैसे जुड़ती है सीधा अलजेब्रिकली सम होता है दोनों की जोड़ दोगे R1 प्लस R2 कर दोगे तो 20 प्लस 4 24 हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस आपको दे रखा है 6 वोल्ट ओम्स ला आपको पता है V इज इक्वल टू आई आर और I क्या हो जाएगा V बाय में R V आपको पता है 6 गिवन है और R आपने अभी फाइंड आउट की है 6 बाय में 24 इज इक्वल टू 0.25 एम्पियर आपका करंट आ जाएगा ओके नेक्स्ट आपने क्या फाइंड आउट करना है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइंग ओम्स लॉ टू इलेक्ट्रिक लैंप एंड कनेक्टर सेपरेटली सेपरेटली आप दोनों को क्या करोगे ओम्स लॉ अप्लाई करोगे V1 के क्रॉस करोगे तो 20 मल्टीप्लाई करंट आएगा ना आपको पता है ना रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई करंट आई आर इज इक्वल टू V होता है ना तो V1 फाइंड आउट करने के लिए 20 मल्टीप्लाई 0.25 5 वोल्ट आ जाएगा और V2 फाइंड आउट करने के लिए 4 मल्टीप्लाई 0.25 क्योंकि 4 के क्रॉस कर रहे हो ना 4 ओम किसकी है कंडक्टर की रेजिस्टेंस 20 ओम किसकी थी जो लैंप है उसकी तो 4 मल्टीप्लाई 0.25 आपका 1 वोल्ट आ जाएगा ओके नेक्स्ट आपने रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने हैं तो रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करोगे आपके पास वोल्टेज पता है दोनों का करंट भी आपको पता चल गया दोनों का कॉम्बिनेशन करने के बाद तो V बाय में आई रेजिस्टेंस होगी दैट इज 24 ओम आपकी रेजिस्टेंस आ जाएगी तो इस तरीके से आपने ये न्यूमेरिकल करना है ओके नेक्स्ट हम करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन का इन द सर्किट डायग्राम गिवन इन फिगर 12.10 सपोज द रेजिस्टर R1 एंड R2 एंड R3 हैव द वैल्यू 5 ओम 10 ओम 3 ओम रिस्पेक्टिवली विच हैव बीन कनेक्टेड टू द बैटरी ऑफ 12 वोल्ट जिनको एक 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है कैलकुलेट करंट थ्रू ईच रजिस्टर आपने करंट फाइंड आउट करना है हर एक रजिस्टर में से टोटल करंट इन सर्किट टोटल करंट फाइंड आउट करना है टोटल सर्किट रजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो R1, 2, 3 आपके पास गिवन है पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास V इज इक्वल टू 12 वोल्ट आपको पता है ओके फिर आप क्या करोगे ओम्स लॉ अप्लाई करोगे ओके ओम्स लॉ से आप क्या निकालोगे सबसे पहले क्या निकालना है करंट करंट फाइंड आउट करोगे तो V बाय में आर करोगे ओके तो आपने किसके अक्रॉस फाइंड आउट करना है ईच रजिस्टर हर एक रजिस्टर्स के अक्रॉस करंट फाइंड आउट करना है तो पहले फर्स्ट के लिए करते हैं 12 बाय में 5 2.5 आएगा फिर क्या आएगा 12 बाय में 10 फिर 12 बाय में 30 ओके 12 बाय में 10 हो गया 12 बाय में 30 ओके 1.2 एम्पियर हो गया 0.4 एम्पियर हो गया टोटल करंट आपको पता है इन तीनों का सम आ जाएगा और टोटल रेजिस्टेंस जो होगी वो क्या रहेगी 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30 इज इक्वल टू 1/3 ओके तो इस तरीके से आपने ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना नेक्स्ट इफ द फिगर 12.12 R1 इज इक्वल टू 10 ओम R2 इज इक्वल टू 40 ओम R3 इज इक्वल टू 30 ओम R4 इज इक्वल टू 20 ओम R5 इज इक्वल टू 60 ओम तो 5 रेजिस्टेंस आपके पास इन द सर्किट लगे हुए हैं पैरेलल के अंदर एंड 12 वोल्ट बैटरी उन से वो कनेक्टेड है आपने क्या निकाला टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है फिर निकालना टोटल करंट तो रेजिस्टेंस बहुत सिंपल है आपने रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है पहले R1 और R2 को पैरेलल के अंदर सॉल्व करोगे ओके क्या होगा 1/10 प्लस 1/40 आंसर आएगा 5/40 जो आर डैश उसको सीधा करके लिखोगे 40 बाय में 5 तो 8 ओम आ जाएगा फिर आप क्या फाइंड आउट करोगे
R3, R4, R5 पैरेलल में 1/30, 1/20, 1/60, तो 6/60, 60/6 लिखोगे उसको 10 आ जाएगा। अब दोनों को आप सीरीज के अंदर सीधा ऐड कर दोगे, 8+10 इज इक्वल टू 18 आ जाएगा, और करंट आप फाइंड आउट कर दोगे 12 वोल्ट/18 ओम। ओके, तो इस तरीके से आपने ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस न्यूमेरिकल। नेक्स्ट हम कॉन्सेप्ट हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कल डिस्कशन करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस कॉन्सेप्ट। टेक केयर, स्टे होम।